रगड़ने की एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। हाँ सिर्फ एक्टिंग करनी है, एक्टिंग कर रहा हूँ अभी। नहीं ठीक है, मतलब इसने इतनी तेज चिपका दिया, ये निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे निकल रहा है, गीला होके निकल रहा है। हाँ तो गीला होके निकलेगा ये। कुछ टिप्पणी देना चाहोगे खाने के लिए? खाने खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। नान लेने आया है यहाँ पे सबके लिए खाना। शूट धीरे धीरे अभी कंटिन्यू हो रहा है, सबके लिए खाना लेने आया हूँ रजौरी गार्डन के पास। गुप्ता जी स्टॉल है ना। अभी टाइम क्या हो गया अपना? टाइम 5:30 हो गया। चलो दिखाते हैं आपको धीरे धीरे शूट। ये अपने कमरे में चल रहा है, फिर सुबह इसकी माँ का सीन है, इसकी माँ बैठी होगी सुबह यहाँ, ये अंदर से बाहर आएगा तो इसकी माँ बोलिए अरे बहुत जल्दी उठ गया तो आज, बहुत लेट उठा तो आज, लेट ही। अभी क्या है, अभी रिहर्सल हो रही है, साथ साथ शूट हो रहा है और रात के बज चुके हैं। तो रात के बज चुके 8:30 और अभी शूट खत्म हुआ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी कोशिश है आज ही शूट खत्म हो जाए, क्योंकि अपना अभी आज का ही सीन था, आज ही शूट खत्म करके जाएंगे। चाहे रात को 10-11 बजे हो सकता है, हो जाए, बच सकते हैं 10-11, लेकिन अभी शूट खत्म करके ही जाना पड़ेगा। कुछ बोलिए यार, कुछ बोलेगा नहीं तू? मतलब मेरे को ये कह रहा था कि सुबह के 8 बजे रेडी हो जाना शूट के लिए, लेकिन अब बच चुके रात के, मुंह छुपा के जा रहा है, ऐसे काम करता है। क्या बात है, क्या बात है। एक बारी वो चाबी देगा। हेलो इस समय रात के बज रहे हैं 12:30 है ना, कितना टाइम हो रहा है? तो इस समय रात के बज रहा है 1 और हम खा रहे हैं आइसक्रीम। बाइक में हो चुका है पंचर और ये हमारा मित्र, हमारा प्यारा भाई, मेरा प्यारा भाई मेरा साथ दे रहा है बाइक को घसीटने में। क्या करें भाई साहब, मजबूरी है, नहीं तो मैं तो कभी ना करूँ। लेकिन जो भी कहो, किस्मत बहुत ख़राब चल रही है हमारी। अभी जो हुआ है शूट, आपको मैंने दिखाया है कि अभी कितना कितना शूट हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया। और अभी घर वालों से बतेरी गालियाँ सुन ली हम दोनों ने, इसलिए थोड़ा दिमाग ठंडा करने के लिए हम ये आइसक्रीम खा रहे हैं। अब भी खाइए, इंजॉय कीजिए, ठंडा ठंडा। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर। माँ बाप को परेशान मत करें, माँ बाप बच्चों को परेशान ना करें। ये बात सही गई। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गौतम मिश्रा होता तो मैं कितना सुखी होता, घर पे रोटी खा रहा होता। तो ये नेक्स्ट डे है, वैसे तो हमारा पूरी रात ख़राब हो गई और अभी मैं गाड़ी से जा रहा हूँ हॉस्पिटल किसी काम से। तो हॉस्पिटल तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन ये जो रोड पे बसें होती है ना भाई साहब, ये बस के ड्राइवर बहुत पंगा करते हैं। पहले निकलने के चक्कर में इतनी तेज़ भगाएंगे जैसे पता नहीं बस नहीं हो, गाड़ी हो छोटी सी, हालत ख़राब हो जाती है यार। वैसे मैं फ्री हो चुका हूँ, घर पर जाके थोड़ा आराम करेंगे। बाकी गाड़ी के अंदर अगर गोप्रो हो ना तो बात ही अलग है, फ़ोन से तो लॉक ही नहीं बन सकता गाड़ी के अंदर, या तो बंदा स्टेयरिंग संभाल ले या तो लॉक कर ले। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, एक मिनट। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि कल मैं आपको बताने वाला था कि कल जो शूट हो रहा था, जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो किस लिए थी। तो हम सारे फ्रेंड्स वगैरह मिल के एक कोरोना के ऊपर वीडियो शूट कर रहे थे, तो ऐसे ही प्लान बन गया कि ये हमें करना चाहिए।
एक मिनट पहले गाड़ी ऑन कर लूं। ये क्या हो गया है? पता नहीं क्या टंटे है गाड़ी की। भाई हो गई ऑन। हाँ तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो कल वीडियो शूट कर रहा था मैं, एक मतलब बिहाइंड द सीन कह लो आप, तो वो स्टोरी क्या है कि कोरोना के ऊपर स्टोरी बनाई है हम सब दोस्तों ने मिलके, और इतने टाइम से आपने देखा होगा व्लॉग एक भी नहीं आया मेरा, तो कुछ प्रॉब्लम तो मतलब कह लो कुछ भी कह लो, मन नहीं किया एक तो, दूसरी चीज़ कुछ नेगेटिविटी फील हो रही थी इतने टाइम से, और नेगेटिव वाइब्स आ रही थी हर जगह से, मतलब मन ही नहीं कर रहा था ज़रा भी व्लॉग करने का। और दूसरी चीज़ जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपको हर जगह से नेगेटिविटी मिले और डीमोटिवेशन मिले, तो आपका वैसे ही नहीं मन करेगा कि आप व्लॉग बनाओ या कुछ भी आप इंटरटेनिंग करो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मतलब अब वैसे कुछ ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन ना कोई बंदी बंदी का सीन है, लेकिन फिर भी अब शुरू दोबारा से आज, अब व्लॉग आप देख रहे हो तो देखो अब शुरुआत हुई है, देखते हैं ये कब तक जारी रहती है। अब नेक्स्ट व्लॉग कब डलेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा ही मौका मिलेगा मेरे को मैं व्लॉग ज़रूर डालूंगा। और ये काम मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है कि ये डेली होना चाहिए, डेली भी नहीं तो हफ्ते में एक दो दिन होना चाहिए, तो ये कोशिश अपनी जारी रहेगी हमेशा, क्योंकि काम भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, टेंशन अलग होती है ज़िंदगी के अंदर, तो टेंशन से हटके आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का वैसे कोशिश करते दिखाने की। बाकी अच्छा लगे तो आप लाइक करिए मेरे व्लॉग को, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो, और बाकी दोनों में ही एक इंगेजमेंट होती है, दोनों में ही लाइक डिसलाइक में दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। बाकी सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को, और अपने भाई को थोड़ा फेमस करने के लिए यार थोड़ा सा सहयोग करो, हर जगह शेयर करो। और एक चीज़ और कहना मैं भूल गया आपसे कि अपनी मतलब जो अभी स्टोरी डलेगी हमारी सब फ्रेंड्स वगैरह की मिलके, तो उसका चैनल एक हमने अलग बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग डालूंगा अपना उसका मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो अपनी एंडिंग तो आज गाड़ी में ही ख़त्म हुई है, और पहली बार शायद मैं गाड़ी में व्लॉग बना रहा हूँ, तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय।